नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन होता क्या है? देखिए, क्रिएटिन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के थ्रू नेचुरली बनता है, लेकिन अगर आप एक एथलीट हो, जिम जाने वाले बंदे हो, स्पोर्ट्स के पर्सन हो, फुटबॉलर हो, तो हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, हमें पावर की ज़रूरत होती है। तो इन सब के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है क्रिएटिन। मेरे पास अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्रिएटिन बिग मसल्स का। आप कोई सा भी ब्रांड पिक कर सकता हूँ, मैं किसी ब्रांड का एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। और मार्केट में क्रिएटिन कितने तरह के अवेलेबल है? क्रिएटिन बेसिकली चार पांच तरीके का अवेलेबल है, मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज, HCL। ऐसे मार्केट में काफ़ी, मतलब मार्केट में फ्रेंडली क्रिएटिन है आपका, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप इसको ले सकते हैं, 1000 से 1500 के आसपास में ये पड़ेगा, काफ़ी सस्ता होता है। सप्लीमेंट के मामले में देखा जाए तो सबसे सस्ता सप्लीमेंट है और सबसे इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। आपको लेना कितना है इसको? आपको इसको 5 से 10 ग्राम के बीच में लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है अगर आप बिगनर हो। हाँ, अगर आपको 4 से 5 साल जिम करते हुए हो गया है तब आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप क्रिएटिन लेंगे तो आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीना है। मतलब नॉर्मली अगर आप 3 लीटर पानी पीते हो तो उसमें आपको 1 लीटर बढ़ाना होगा अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं तो। क्रिएटिन लेने का सही समय क्या है? क्रिएटिन लेने का सही समय मेरे ख्याल से, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो आप एक्सरसाइज करने के बाद जब आप अपना वे प्रोटीन लेते हैं उसके साथ आप क्रिएटिन ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो प्री वर्कआउट लेने के बाद क्या होता है कि क्रिएटिन को बॉडी में, मसल्स में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो ब्लड में जाते जाते उसको 1 घंटे का टाइम लग जाता है, ब्लड से वो आपके मसल्स में जाता है, जिससे काफ़ी, मतलब जब तक आप वर्कआउट शुरू करते हो और जब तक आपका वर्कआउट ख़त्म करते हो उस बीच आपका जो क्रिएटिन है वो ट्रैवल ही करता रहता है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? आपके इसके सोर्सेज वेजिटेरियन में अगर आप नट्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, बीन्स लेते हैं, लेकिन वेजिटेरियन में क्रिएटिन काफ़ी कम मात्रा में मिला जाता है। इसीलिए मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं उनको क्रिएटिन की इनटेक को पूरा करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर वो सप्लीमेंट ले सकते हैं क्रिएटिन का। नॉनवेज में अगर आप डेली 250 से 1/2 kg अगर आप चिकन, मटन, रेड फिश या फिश लेते हो तो ये आपकी क्रिएटिन की इनटेक के लिए काफ़ी होगा। लेकिन डेली तो नॉनवेज खाना पॉसिबल नहीं होता है, जिस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएटिन ले सकते हैं। क्रिएटिन लेने से बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट, मतलब काफ़ी सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि मतलब क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो जाता है। देखिए, किडनी आपका तभी डैमेज होगा जब आप क्रिएटिन लेते समय पानी कम पीते हो, क्योंकि अगर आप पानी कम पियोगे उससे क्या होगा कि बॉडी आपकी हीट होगी, ठीक है, बॉडी आपकी डिहाइड्रेशन मोड पे चली जाएगी। और जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपका जो किडनी होता है उसको मतलब वर्क करने के लिए काफ़ी मतलब प्रेशर पड़ता है, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अगर क्रिएटिन आपको तब नहीं लेना है जब आपको पहले से कोई क्रिएटिन की मतलब किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तब मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्रिएटिन लो। और मैं प्री वर्कआउट में भी क्रिएटिन लेने से इसलिए मना करता हूँ क्योंकि क्रिएटिन थोड़ा सा हीट होता है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, सपोज आप हर जिम में तो AC नहीं होता है, जैसे मेरे ही जिम में AC नहीं है, काफ़ी जिमों में होगा, तो उस समय अगर आप क्रिएटिन लेके, प्री वर्कआउट लेके आप एक्सरसाइज करते हो तो एक तो पसीना, ऊपर से क्रिएटिन, तो डबल डिहाइड्रेशन होने का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कार्ब्स के साथ लें, प्रोटीन के साथ ले सकते हैं, अपने खाने के साथ ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको 2 से 3 महीने तक के लीजिए, उसके बाद 1 महीने का ड्रॉप ले लीजिए, उसके बाद फिर से 2-3 महीने का आप इसको कंटिन्यू करिए, फिर इसको 1 महीने के लिए ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
आई होप क्रिएटिन के बारे में आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी।